दिस इज वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आई नो आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए कि व्लॉग नहीं आ रहा व्लॉग नहीं आ रहा तो मैं रिकॉर्ड तो कर रही हूँ बट एडिट करने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था तो ये जो व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा पुराना है बट आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो भी मैं ससुराल जाऊँगी मेरी ननद की शादी है आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर देख ही लिया होगा तो येस ये थोड़ा पुराना ब्लॉग है बट मैं रेगुलर अभी जितने भी ब्लॉग मैंने ड किए हैं पाँच छः वो बिल्कुल रेगुलर आ जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या चल रहा है लाइफ में और हाँ ननद की शादी है तो थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी वहाँ पे किस तरीके से शादी होता है ससुराल में क्या पहन रही हूँ क्या क्या तैयारियाँ चल रही है तो आज छुट्टी का दिन है और यहाँ पर मैं क्लिनिंग में लग गई हूँ और आज प्रिंस भी आ जाएंगे आपको मेरे ब्लॉग में वो नहीं दिख रहे होंगे वन मंथ के लिए बाहर गए थे और जैसे ही वो आएंगे एक दिन हमें थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है फिर हम नेक्स्ट डे निकल जाएँगे मेरे ससुराल के लिए घर के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बालकनी वग़ैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ जब भी मैं कहीं जाती हूँ कुछ दिनों के लिए दस पंद्रह दिन के लिए तो मैं घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ करना चालू कर देती हूँ दो तीन दिन पहले से ताकि जो है गंदगी ना रहे और कॉकरोचेस छिपकली वगैरह की प्रॉब्लम ना आए फिर भी आप घर से आओ ना दस पंद्रह दिन के बाद तो गंदा तो हो ही जाता है बट उतना ज़्यादा नहीं रहता है कि आपको तुरंत आके सफाई करना पड़े आप आराम से दो तीन घंटे रेस्ट करके क्लीनिंग स्टार्ट कर सकते हो तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा दिया है और बालकनी वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है पावदान वगैरह मैं अभी नहीं धुलूँगी क्योंकि ऑलरेडी वो गंदे हैं और गंदे हो जाने तो आप लोगों को पता ही है मेरी मम्मी भी आई हुई है वन मंथ से एंड थोड़ा सा मम्मी खाने वगैरह का बना देती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल मेरा चल रहा था प्रिंस भी नहीं थे तो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा था और खाने से मैं क्स हो गई थी क्योंकि मम्मी है मम्मी पूजा कर रही है तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा मैं चूड़ा मटर बना देती हूँ और यही हो जाएगा हमारा आज का नाश्ता एंड उसके बाद हम मूवी देखने भी जाने वाले हैं आप लोगों को मूवी देख के पता चल जाएगा ये व्लॉग थोड़ा सा पुराना है एंड ये है शाम के टाइम का और यहाँ पे मैं गाजर जो है वो कद्दूकस कर रही हूँ क्योंकि प्रिंस आने वाले हैं उनके थोड़ा लेट हो जाएगा आते आते तो कल सुबह खाएँगे तो उनके लिए गाजर का हलवा और थोड़ा सा ना मूढ़ी लाई वगैरह सब कुछ बनेगा क्योंकि पोंगल में भी बना था बट पोंगल में बस उन्होंने फोटो देखा था तो उन्होंने बोला था जब मैं आऊंगा तो मेरे लिए थोड़ा सा बना देना तो यही हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं मम्मी बना रही है अपने दामाद के लिए कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें जो कि पोंगल में मकर संक्रांति में वो मिस कर गए थे तो थोड़ी सी मूढ़ी लाई तिल के लड्डू और गाजर का हलवा बना के हम रख देंगे और ट्रेन जर्नी में भी ये काम आएगा उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे नेक्स्ट डे 今、啊、就 जो है शाम हो गई अभी दोपहर तो में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि पैकिंग वगैरह चल रहा था और यहाँ पे हम बात भी कर रहे हैं मेरे दोनों भाइयों से एक कोलकाता में है एक घर पे है तो दोनों से वीडियो कॉल पे बात भी हो रही थी आप देख सकते हो एंड येस yes, तो अभी मम्मी तो चली जाएंगी हमारे साथ ट्रेन मतलब हमारे साथ ही निकलेंगी बट वो रांची में उतर जाएंगी और उसके बाद दो तीन दिनों के बाद मतलब दो तीन दिन पहले शादी के दो दिन पहले वो वापस फिर से मेरे ससुराल आएंगी तो यहाँ पर देखिए गाजर का हलवा भी बन रहा है यम्मी सा सा टेस्टी बहुत दिन हो गया और देख कर रहा है खाने को ओके okay सो so ये यहाँ पे मैंने मिल्क मेड डाल दिया है टू मेक इट मोर टेस्टी एंड जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे अच्छे से फ्राई करके घी में फ्राई करके डाल दिया ये है नेक्स्ट डे का दिन यहाँ पे पूजा वगैरह हमने कर लिया है ओके गाइस सो मैं आ गई हूँ वापस और अभी हम रेडी हो गए हैं ये रही मम्मी सो so अभी हम जा रहे हैं बाहर कहाँ जा रहे हैं आपको थोड़ी देर में बताएंगे सो so यार इसका। के बाद बच्चे जो है गेम जोन में जाने की जिद ना करें ऐसा हो नहीं सकता तो यहाँ पे रितविन को हम लेके आए हैं गेम जोन पे और थोड़ी बहुत वो गेम्स खेलेगा पहले से ही मैंने उसे बता दिया कि चार पाँच से ज़्यादा गेम मैं नहीं खिलाने वाली हूँ क्योंकि बहुत रात हो गई है प्रिंस भी नहीं है तो हमें बाय ऑटो जाना है और ज़्यादा लेट करना अच्छा नहीं रहता है सेफ़ नहीं होता है बच्चे के साथ तो यहाँ पे देखिए इन्जॉय कर रहा है रित्विन अपना गेम और मुझे भी बहुत मज़ा आता है यू नो उसे देखते हुए इस तरीके से गेम खेलने पे यहाँ पे देखिए सारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं उसे मारो उसे मारो मतलब गेम्स में ना अच्छा लगता है और उसके बाद यहाँ पर नानी के साथ पहली बार आया था उसके बाद हम लोगों ने खाया डोसा और आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रह गई है यहाँ पे अब गर्मी ही आ गई है वाइजैक में सो so, हम लोगों ने इंजॉय किया अपना आइसक्रीम और उसके बाद फिर हम घर चले गए थे सो so, ये है नेक्स्ट डे का दिन और यहाँ पे हम निकल गए हैं घर के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ननद की शादी के लिए और मम्मी जो है हमारे साथ ही जा रही है रांची में उतर जाएंगी वो और देखिए ट्रेन के बाहर का नज़ारा मुझे बहुत पसंद है मतलब मैं देखते देखते ही जाती हूँ बहुत ज़्यादा सोती नहीं हूँ ट्रेन में अगर सोती हूँ तो सोती ही रह जाती हूँ अगर जागी रहती हूँ तो फिर नज़ारे का इंजॉयमेंट जो है वो अच्छा लगता है मुझे इंजॉय करती हूँ और ये जो आते हैं ना इस तरीके के नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे किस किस को ट्रेन जर्नी पसंद है मुझे बताइएगा मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मैंने वीडियोज़ भी डाले हैं ट्रेन जर्नी पर आज नहीं डाल पाई क्योंकि सब कुछ यू नो हौस पॉस चल रहा है जिस दिन हम लोग निकले उस दिन भी इतना ज़्यादा काम था ना मतलब मेरे वर्क प्लेस पर स्कूल पर स्पोर्ट्स डे था और मैं एंकरिंग कर रही थी सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब हौश पॉस था और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड निकले थे हम तो ये देखिए प्रिंस आपको बहुत दिन बाद दिख रहे होंगे और अभी रांची आ गया है तो मम्मी अभी उतर जाएगी छोटी छोटा वाला भाई जो है लेने के लिए आ रहा है और हमारे लिए खाना भी लेके आया था सो so... यस yes, तो देखिए यहाँ पे मेरी हालत आप देख ही सकते हो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं और रित्विन तो बहुत ही ज़्यादा खुश है तो देखिए मम्मी अब पहुँच गई है रांची तो ये जो रित्विन है थोड़ा सा उदास हो रहा है बट वो मम्मी से बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रहा था मतलब जो एक नोकझोंक होती है ना वो नानी से बहुत ही ज़्यादा होती है उसकी सो तो दिखाता ऐसे है कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बट फर्क पड़ता है बच्चों को, को कोई आता है इतने दिन रहता है आपके साथ और मुझे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था अदरवाइज प्रिंस के बिना मैं तो पागल हो जाती सो so, यहाँ पे मामा आ गया है ढेर सारा किंडर जॉय और चिप्स वगैरह लेके एंड ये देखिए सुबह का टाइम है हम लोग खाना खा के सो गए थे और अब हम पहुँच जाएंगे बनारस वहाँ पे जो ब्राइड है हमारी मेरी ननद वो भी आने वाली है साथ में कज़न सिस्टर इन लॉ के साथ तो प्रिया और रिया दोनों मिलने वाले हमें बनारस में तो थोड़ी देर के लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि उन, उस, उनका जो ट्रेन है वो दो तीन घंटे के बाद आएगा और थोड़ा सा लेट भी हो गया है सो हियर बियर वेटिंग फॉर देम और उसके बाद हम मिलेंगे एंड बाय कार हम बनारस से घर चले जाएंगे so yes, सो ये थोड़ा सा लेज़ीनेस आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हूँ मैम अभी तो मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा टायर्ड हूँ इफ़ यू कैन नोटिस यू कैन सी तो ये है बनारस स्टेशन और प्रिया रिया दोनों आ गए हैं सामान बहुत ज़्यादा था बट कैसे भी करके हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया एक कार में और फिर हम जा रहे हैं निकल गए हैं घर के लिए और यस वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द मैरिज आई होप मैं ब्लॉग कर पाऊँ तो देखिए यहाँ पर सारे सूट uh, केसेस आप देख सकते हो धीरे धीरे लोग भी आना चालू हो गए सबसे पहले हम ही आए हैं एंड ये है मम्मी मेरी मदर इन लॉ और अभी यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हमें ठंड लग रही थी तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में ये सुबह का टाइम है और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी नेवी जो कि मेरे देवर की बेटी है और ये दोनों मस्ती कर रहे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय